क्लास मॉन्टू, मैं राबे आपकी उर्दू की टीचर। और बच्चों, आज जो हम सबक पढ़ेंगे मेरी उर्दू की किताब में, वो है गिनती। तो चलिए बोर्ड की तरफ देखते हैं। आज हमें पढ़ना है गिनती हिंसों में और लफ्जों में। आपने मैथ्स में पढ़ी है काउंटिंग, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ठीक है, 1 से 10 तक काउंटिंग है। अब ये जो काउंटिंग है, इनको हम उर्दू हिंसों में पहले लिखेंगे, और हम काउंटिंग को उर्दू में गिनती कहते हैं। पहले हम लिखेंगे हिंसों में, नंबर्स की सूरत में, हिंसों में, और फिर लफ्जों की सूरत में लिखेंगे, ठीक है। तो पहले है 1, और 1 को उर्दू में कैसे लिखते हैं हिंसों में, 1 की तरह ही, ठीक। अब है 2, 2 को उर्दू हिंसों में कैसे लिखेंगे, देखें, जैसे हम सीन का शोशा बनाते हैं, इस तरह बनाएंगे और फिर इसको नीचे ले आएंगे, ये बनेगा 2। अब है 3, 3 को उर्दू हिंसे में कैसे लिखेंगे, जैसे हम सीन के 2 शोशे बनाते हैं, बनाएंगे और ये नीचे, 3। फिर है 4, 4 को उर्दू हिंसे में कैसे लिखेंगे, एक क्रॉस लाइन लेंगे, फिर थोड़ा सा घुमाते हुए ऊपर जाएंगे और फिर नीचे, इसको कहते हैं उर्दू में 4। फिर है 5, 5 को उर्दू हिंसे में कैसे लिखेंगे, पहले हम लेंगे इस तरह से क्रॉस लाइन और फिर नीचे से सीन के 2 शोशे बना देंगे, ये होगा 5। अब इसके बाद नंबर है 6, 6 को हम उर्दू हिंसे में कैसे लिखेंगे, जैसे हम एक शोशा बनाएंगे सीन का और इसको नीचे ले आएंगे, इसको कहते हैं 6, ठीक है। 2 का मुंह सीधे हाथ पर होता है और 6 का मुंह उल्टे हाथ पे, ठीक। अब नंबर 7, और 7 को उर्दू हिंसों में कैसे लिखेंगे, पहले क्रॉस लाइन लेंगे फिर एक सीधी लाइन लेंगे, ठीक है। 7, इसके बाद है हमारे पास 8, 8 को उर्दू हिंसों में कैसे लिखेंगे, जिस तरह से हमने पहले 5 को बनाने के लिए क्रॉस लाइन ली थी, बिल्कुल ऐसे ही 8, 8, ठीक। अब है 9, 9 को उर्दू हिंसों में कैसे लिखेंगे, जैसे हम 9 ही लिखते हैं, और उर्दू में इसको कहेंगे 9। अब है नंबर 10, और नंबर 10 को उर्दू हिंसों में कैसे लिखेंगे, पहले लिखेंगे ए और फिर ये ए नुक्ते की सूरत में लिखेंगे 0, ठीक है। 1 और 0 मिलेगा तो क्या बनेगा, 10। दोबारा से हम पढ़ते हैं उर्दू हिंसे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ठीक है, ये 1 और ये 0 के लिए है, तो ये बनेगा 10। अब हमने ये अदर हिंसों में, हिंसे जो है हमने उर्दू में लिख ली है, अब हमने लिखना है लफ्जों में, कि लफ्जों में कैसे लिखेंगे, 1, ठीक है। पहले लिखेंगे अलिफ, ये की आधी शक्ल, फिर काफ की मुकम्मल शक्ल, काफ का मरकज, ए, सही। अब लिखना है 2, 2 को कैसे लिखेंगे, पहले लिखेंगे दाल, वाओ, 2, ठीक है। अब है 3, 3 कैसे लिखेंगे, पहले ए की आधी शक्ल, फिर ये की आधी शक्ल, और फिर नून की मुकम्मल शक्ल, ते के ऊपर ते के नुक्ते, ये के नीचे ये के नुक्ते, और नून में एक नुक्ता, 3। अब हमारे पास हिंसा है 4, और 4 को लफ्जों में कैसे लिखेंगे, चे की आधी शक्ल अलिफ से मिलेगी और फिर रे, 4। 4 के बाद हमारे पास हिंसा है 5, ठीक है। 5 को कैसे लिखेंगे, पे की आधी शक्ल अलिफ से मिलेगी, फिर नून की ये हम एक क्रॉस लाइन लेंगे और फिर नीचे चे की मुकम्मल शक्ल, नून के ऊपर नून का नुक्ता और चे के 2 नुक्ते,
अब है छ, हिंसा है छ, और इसको उर्दू में कैसे लिखेंगे? जैसे छ जो हमने भारी हरूफ में पढ़ा है, ठीक है, छ की आधी शिकल बनेगी जो हे से मिलेगी। छ। अब है सात, हिंसा है सात, और लफ्जों में कैसे लिखेंगे? सीन की आधी शक्ल मिलेगी अलिफ से, और फिर टे की मुकम्मल शक्ल सात। अब है हमारे पास हिंसा आठ, और आठ को कैसे लिखेंगे? अलिफ मद की आएगी, पहले अलिफ मद लिखेंगे और फिर ठे जो हमने बारी हरूफ में पढ़ा है और अब हमें अच्छे से लिखना आता है। टे के लिए हम लिखेंगे क्रॉस, और फिर दो चश्मी हे उसके ऊपर छोटी तोड़ आठ। अब है हिंसा नौ, लिखेंगे कैसे? नून की आधी शक्ल और फिर वाव से मिलेगा, वाव लाइन को टच करेगा, नून के ऊपर नून का नुक्ता। इसके बाद हमारे पास हिंसा दस, दस कैसे लिखेंगे? दाल लिखेंगे, फिर सी की मुकम्मल शक्ल दस, ठीक है। दोबारा से पढ़ते हैं, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस। आज हमने गिनती लिखी है जिसको इंग्लिश में काउंटिंग कहते हैं, तो वो हमने इंग्लिश में 1 से लेकर 10 तक नंबर्स हैं, उसको हमने पहले उर्दू हिंसों में लिखा है, फिर उनको हमने लफ्जों में लिखा है कि लफ्जों में गिनती कैसे लिखते हैं, ठीक है बच्चों। ये काम है आपको मेरी उर्दू की किताब सफा नंबर 93 में। किताब में ये काम आप यहाँ करेंगे सफा नंबर 93। पहले यहाँ पे आपने लिखने हैं उर्दू हिंसे जो यहाँ पे आपको किताब में भी दिए गए हैं। यहाँ इस लाइन में उर्दू हिंसे लिखिएगा और यहाँ इस लाइन में आपने लफ्जों में गिनती लिखनी है, ठीक है। यहाँ हिंसों में गिनती लिखनी है और यहाँ लफ्जों में गिनती लिखनी है। काम साफ सुथरा कीजिएगा, लाइन का ख्याल करके कीजिएगा, पढ़कर लिखिएगा, गिनती को अच्छे से याद कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, फिर मिलते हैं, अल्लाह हाफिज़।